रानी की परेशानी। वीर का फैसला। जी टीवी के सीरियल अपना टाइम भी आएगा में आ गया है महा ट्विस्ट, जहां रानी और वीर दोनों ही हैं बेहद परेशान। क्योंकि वीर ने फैसला लिया है जेल जाने का। जी हाँ, रानी ने वीर की बेगुनाही साबित कर दी थी और वीर के सामने ये खुलासा किया था कि वीर की माँ ही है असली गुनहगार। लेकिन वीर नहीं चाहता कि उसकी माँ जेल जाए, इसीलिए उसने फैसला लिया है कि वो सारे इल्जाम खुद पर ले लेगा और ऐसे में अपनी माँ को बचाने के लिए वो जेल जाने को भी तैयार हो गया है। बेसिकली कल हियरिंग है, फाइनल हियरिंग है कोर्ट में, अगले दिन का हियरिंग बोला गया है। तो वीर चाहता है कि वो ही जेल जाए, क्योंकि रानी और रानी को सच पता चल गया है कि असली गुनहगार है कौन, बेसिकली जो रानी सा है। और ऑब्वियसली वीर बीइंग वीर उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब रानी को सच पता चल गया है, ये भरोसा तो है उसको कि रानी किसी को और को नहीं बताएंगी ये बात, पर इस बात का डर है कि रानी मुझे बचाने के लिए भी, वीर को बचाने के लिए बोल सकती हैं और सच सामने ला सकती हैं। तो वही टेंशन है, आंखों ही आंखों में बात करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को कि वीर ऑब्वियसली ट्राइंग टू से कि तुम बताओ मत किसी को, और रानी कह रही कि मैं कैसे रहूँ, बताए बिना कैसे रहूँ। तो ये सीन है अभी जो हम लोग ने किया है। ये चाहता है कि वो जेल जाए, वीर वॉन्ट्स टू गो टू जेल। सज़ा उसने कबूल कर ली है, गुनाह उसने कबूल कर लिया है। वो नहीं चाहता कि रानी साहब किसी भी हालत में जेल के सलाखों के पीछे खड़े रहे। तो वीर चाहता कि वही जेल जाए, गुनाह उस गुनहगार उसी को बताया जाए, और इसी में सबकी खुशी है। लेकिन वीर के इस फैसले से रानी है बेहद परेशान। भाई अब देखना होगा कि अपनी माँ को बचाने के लिए क्या वाकई वीर जेल जाएगा या कहानी में आएगा कोई नया मोड़। नुपुर मौची, मुंबई, आज तक।